जम्मू शहर के बाहरी इलाके जीवन नगर में भी बाढ़ के तेज पानी की वजह से एक पुल ढह गया। द्राब ब्रिज नाम का ये पुल 200 गांवों को जोड़ता था। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 26 अगस्त की ये घटना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पुल दो भागों में बट गया है और पुल का जो एक हिस्सा टूटा हुआ वो पूरी तरीके से नदी में बह जाता है। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ था इस पुल को बनाने में। ये पुल जरूरी इसलिए भी था कि ये करीब करीब 200 गांवों को एक साथ जोड़ता था। बताइए अब उन 200 गांवों में रहने वाले लोगों का क्या होगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज दो भागों में बट गया, टूट गया और उसका एक हिस्सा साथ ही नदी के बह गया। आप ये तस्वीरें हैं जम्मू की और 26 अगस्त को ये घटना हुई थी। ध्राब ब्रिज नाम का ये पुल था जो कि 200 गांवों को जोड़ता था। प्रदीप दत्ता हमारे लिए ये पूरी रिपोर्ट लेकर आए थे 26 अगस्त को जब ये घटना घटी थी, उन्हीं के पास वापस चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस घटना के बारे में और भी अपडेट्स क्या हैं। प्रदीप, आप लेकर आए थे ये चौंका देने वाली तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए, किस तरीके से ये पुल दो भागों में बट गया, एक पूरा हिस्सा नदी में बह गया। क्या सरकार का कहना है, प्रशासन का क्या कहना है, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से यह घटना घटी? देखिए, आप जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले बारिश की वजह से बाढ़ आई और बाढ़ के आने से ये देखिए पुल कैसे एकदम गिर गया। उस समय लोग सड़क के दोनों किनारे पे खड़े थे और वो ये मंजर देख रहे थे अपनी आंखों के साथ पुल को गिरते हुए। और जब हमने वहां पे लोगों से बात करी, वो स्थानीय वहां के निवासी थे, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ये पुल कुछ वर्ष पहले ही कंस्ट्रक्ट किया गया था और इस पुल में लगता है कि मटेरियल जो है अच्छा यूज नहीं हुआ था। वो कहते हैं दो चीजें हैं, एक तो उसका डिजाइन फॉल्टी था, वो जितने पिलर होने चाहिए थे उतने पिलर नहीं थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि जब बाढ़ आती है तो जमीन साथ में खिसकी और एकदम पुल भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो हालांकि ये देखिए टैक्स पेयर्स का मनी है, सरकार को इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी है। सरकार से हमने बातचीत की है, वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बात यही आती है, जो सरकार होती है वो पिछली सरकार पे जिम्मेवारी डाल देती है कि उनके वक्त पे हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन लोगों को अकाउंटेबल करना होगा जिन लोग इस कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे पुल गिरा है। 2-3 वर्ष पहले जम्मू के में भी एक ऐसे ही हुआ था, अभी पिलर बने हुए थे, वो पुल भी ढह गया था और काफी जगह पे सड़क जो थी केविन हो गई थी। और नई सड़क का इलाका है यहाँ जम्मू में, वो भी सड़क के अंदर चली गई थी जब बाढ़ का पानी आया। तो अगर आप बारिश का पहली बरसात का पानी ये पुल बर्दाश्त ना कर सके तो आप किस तरीके से लोगों के जानो माल को खतरा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करप्शन का मामला है। मटीरियल अच्छा कंट्रैक्टर्स को इंजीनियर जो इन्वॉल्व थे उन पे गाज कसनी होगी, तभी जाके ऐसे मामले ठंडे। बिल्कुल जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इन सारी जो घटनाओं को उनको गंभीरता से ले। इस तरीके से हमारा और आपका जो पैसा है जो हम टैक्स के तौर पर देते हैं वो इस तरीके से बह नहीं सकता, सरकार को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा।